विधानसभा के बजट सत्र में खाद्यान्न अधिनियम स्थानीय नीति बनाने की मांग प्रमुखता से उठी और इस मामले पर सड़क से सदन तक आंदोलन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि खाद्यान्न पर आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। इससे यहां के आदिवासियों और मूलवासियों में खासी नाराजगी है। दिनों तक चले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति बनाने की मांग उठाई। मुख्य रूप से आसू के विधायक लंबोदर महतो, माले विधायक विनोद सिंह के अलावा सत्तारूढ़ दल जेएमएम के विधायक लुबिन हेमरम और मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की मंशा जाहिर करते हुए साफ कर दिया कि खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बन सकती है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि सूबे में स्थानीय नीति जल्द बनेगी, जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों ने अपने बैकडोर से अपने शहर से लोगों को, अपने समर्थक लोगों को सड़कों पर उतार दिया। खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति बनाओ, आप बताओ, अगर आप कानून के जानकार हो, खाद्यान्न के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बन सकता। और कभी भी खाद्यान्न के आधार पर नियोजन नीति बनेगा, अध्यक्ष महोदय वो कोर्ट तुरंत उसको खत्म कर देगा। यहाँ के आदिवासी मूलवासी समाज की अपेक्षा थी कि उनके भावना के अनुरूप स्थानीय नीति का प्रस्ताव विधानसभा सत्र से पास होगा। इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश भी की। कई आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव भी करने पहुंचे, लेकिन उन्हें मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। हेमंत सोरेन ये वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में भी है कि हम स्थानीय नीति खाद्यान्न के आधार पर करेंगे, और अभी उनका बयान बचपना है। आप खाद्यान्न के आधार पर स्थानीय नीति अगर लागू करते हैं तो हाईकोर्ट रिजेक्ट करेगा। उनको एकीकृत बिहार का कुछ को मंथन करना चाहिए। 1982 में एकीकृत बिहार में स्थानीय नीति बनाया था, और स्थानीय नीति कौन होगा उसको बिहार सरकार डिफाइन किया था। सरहुल के बाद जितने भी आदिवासी मूलवासी संगठन सिर्फ सड़क पर नजर आएंगे, और जब तक 24 में उखाड़ के नहीं फेंकेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों को, चाहे जो भी पार्टी सब छला है यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ पर नया विकल्प तैयार करेंगे। झारखंड अलग राज्य के अस्तित्व में 21 साल बीत गए। इस दौरान बीजेपी के सरकार ने दो बार स्थानीय नीति को परिभाषित करने की कवायद की, जो विवादों में घिरे रहा। वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार दूरगामी सोच के साथ स्थानीय नीति बनाने की बात कर रही है, लेकिन आधार क्या होगा इस पर संशय अभी बरकरार है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन मंटू के साथ दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।